शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोरोना का कहर शहर में जारी है। अभी तक 250 के ऊपर शहर में कोरोना के मरीज पाए गए हैं और 3 लोगों की इससे मौत हुई है। कुछ ही दिन पहले शहर के पार्वती नगर स्थित एक 22 वर्षीय युवक की कोरोना से मौत हुई। इसके बाद मनपा ने पूरा परिसर सील कर दिया है। उसके संपर्क में आए सभी लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। शुक्रवार को इस परिसर से एक पॉजिटिव सामने आया है। ऐसे में सुरक्षा के लिए पूरे परिसर में तगड़ा पुलिस बंदोबस्त किया गया है। साथ ही शुक्रवार को पूरे परिसर का ड्रोन कैमरा से निरीक्षण भी किया गया है। माननीय पुलिस आयुक्त श्री भूषण कुमार उपाध्याय सर यांच्या संकल्पनेतून आपण हे नागपूर शहर पोलीस आयुक्तालयातर्फे ड्रोनद्वारे आपला हे कम्युनिकेशन म्हणजे तिथे आपला माईकद्वारे आपण जनजागृती करतो आहे आणि तसंच लाईव्ह शूटिंग पण घेतो आहे आणि लोकांमध्ये जनजागृतीचा कार्यक्रम राबवला जात आहे। त्याकरता आमचे भिंतारी संदेशचे पोलीस निरीक्षक अनिल साखरे साहेब आणि टीम हे काम अहोरात्र करते आहे आणि ह्याबाबत जे जे एरिया जे आहेत त्यामध्ये आपण हे कार्यक्रम राबवतो आहे।